को खराब करने की कोशिश की जाती है, भाजपा कैसे इस पूरे इशू को देखती है? देखिए, इस सारे मामले को लेकर के हम पहले भी बड़ा स्पष्ट कर चुके हैं। मैं कल भी जो मीडिया के कुछ साथी आए थे मिलने, उनसे बात की है। पहली बात कि अवैध निर्माण हुआ है और उस भवन को बंद करके रखा है, वहाँ जाने की अनुमति किसने दी, किसके साथ वो गए, और ये सहज रूप से नहीं हो सकता है। हम समझ सकते हैं कि ओवैसी एक ऐसी पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी के एकमात्र लक्ष्य है कि भारत में इस प्रकार के हालात पैदा कर दिए जाए, कम्युनिटी कन्फ्लिक्ट पैदा किए जाए, और हमेशा इस तरह के वो बयान करते हैं, इस प्रकार के काम करते हैं, और उनका नेता यहाँ आ कर के उस मस्जिद में जा कर के अंदर वीडियोग्राफी करता है। और मेरा तो ये मानना है कि ये वहाँ के कुछ लोगों के सहयोग से ही संभव हो पाया है, जो वहाँ नज़दीक रहते थे, वो जो लोग वहाँ उसके अंदर रहते थे, उनके सहयोग के बिना संभव नहीं है। और उसके बाद में ये भी मैं कहना चाहता हूँ, वहाँ जाकर के एक भवन को वो इंगित कर रहे हैं कि इस भवन की ऊंचाई तो इस भवन से ज़्यादा ऊंची है। उनको ये मालूम नहीं है कि इस मस्जिद के निर्माण को अवैध बताया गया है, ये स्थापित भी हो गया है, लेकिन जिस भवन का वो जिक्र कर रहे हैं, हो सकता है उसकी प्रॉपर परमिशन हुई है, और प्रॉपर परमिशन बनने के बाद भवन जो है वहाँ पर बन करके तैयार हुआ है, जबकि इसकी परमिशन नहीं है। बात सिर्फ ये है, वैध और अवैध की बात है, तो इसलिए इस सारी चीज़ को उस तरह से देखने की आवश्यकता नहीं है। और जिस तरह से बयान दे करके उनने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ FIR हुई है, जानकारी मिली है, लेकिन मेरा ये मानना है कि उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ FIR तक बात नहीं रहनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए उनके खिलाफ, उनकी और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनने बहुत शांति प्रिय प्रदेश में आकर के इस प्रकार के माहौल को खराब करने की कोशिश की है। कमेटी के मेंबर, उनका ये कहना है कि वो भाजपा की पीटीएम है, पीटीएम के मेंबर है। देखिए, उनके कहने का कोई मतलब नहीं, वो कुछ भी बोलते रहे, उससे हमको उनकी क्लैरिफिकेशन देने की हमको जरूरत नहीं है। लेकिन जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, हम यही कह रहे हैं, भवन अवैध होंगे, और जिस तरह का वो जिक्र कर रहे हैं कि हजारों हैं, बहुत सारे हैं, उनको इंडिविजुअल कैपेसिटी में देखा जा सकता है, लेकिन इस अवैध निर्माण के संदर्भ में अब पूरे हमारे शिमला, पूरे हिमाचल प्रदेश की भावनाएं जुड़ गई हैं, और ये उस तरह से नहीं देखा जा सकता। कोई इंडिविजुअल अगर अवैध निर्माण करता है, उस तरह से इसको नहीं देखा जा सकता है। इसलिए जो भी कार्यवाही सरकार को करनी है, उस सारी कार्यवाही को मुझे लगता है कि ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए।